दुनिया आर्थिक मंदी की आहट सुन रही है और ये मंदी भारत में दस्तक भी दे चुकी है। सरकार बाजार को लेकर चिंतित है और इस चिंता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन उन घोषणाओं का कोई असर होता नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके बाद से आर्थिक मोर्चे से जो भी खबरें आ रही हैं उसने सरकार की नींद उड़ा दी है और नींद शेयर बाजार की भी उड़ी है। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज जब बाजार खुला तो हाहाकार मच गया और एक ही दिन में निवेशकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। पिछले दिनों से आर्थिक मोर्चे से जो खबरें आई वो डरावनी ही आई। सबसे पहले देश की जीडीपी को लेकर ऐलान किया गया, जिसमें बताया गया कि इस साल की पहली तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 5% पर आ गई, जो 6 साल में सबसे कम है। जीडीपी की विकास दर तो नोटबंदी और जीएसटी के बाद से उबर ही नहीं पाई है। इसके साथ ही भारत अब विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं रह गया। जीडीपी की विकास दर के आंकड़े आने के बाद कल आंकड़े आने की बारी थी औद्योगिक उत्पादन दर की। ये आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले थे, क्योंकि जुलाई के जो आंकड़े पेश किए गए उसमें बताया गया कि देश के 8 बुनियादी सेक्टरों में विकास दर 2.1% ही रह गई, जबकि पिछले वर्ष जुलाई में ये 7.3% थी। सरकार को इन खराब आंकड़ों का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त को बैंकों के एकीकरण का प्लान सबके सामने रख दिया। इसमें बताया गया कि देश के 10 बैंकों का आपस में मर्जर कर 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे, जिससे बैंक उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सकें। सरकार का दावा था कि इससे उद्योग जगत को राहत मिलेगी। सरकार को उम्मीद थी कि इससे बाजार में सकारात्मक संकेत जाएगा, लेकिन सरकार की ये राहत भी काम नहीं आती दिख रही और निवेशक इस पर भरोसा करते नहीं दिख रहे, क्योंकि वित्त मंत्री की घोषणा के बाद आज जब शेयर बाजार खुला तो उसमें भूचाल आ गया। एक ही दिन में सेंसेक्स 770 अंक और निफ्टी 253 अंक लुढ़क गया। शेयर बाजार में ये गिरावट किसी एक सेक्टर में नहीं थी, बल्कि ये गिरावट सभी सेक्टरों में देखी गई। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 28 कंपनियों के शेयरों को नुकसान उठाना पड़ा। शेयर बाजार में आज एक दिन की गिरावट से ही निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गया। जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन और शेयर बाजार, हर ओर निराशा छाई हुई है और सरकार का दावा अभी भी अपनी जगह कायम है कि देश में मंदी का माहौल नहीं है और जल्द ही जीडीपी रफ्तार पकड़ लेगी। सरकार के इस दावे पर विपक्ष तो भरोसा कर ही नहीं रहा, अपने भी उसे घेर रहे हैं। संघ विचारक गोविंदाचार्य ने तो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से गलत ही ठहरा दिया। एक और मोदी सरकार देश को उत्पादन का हब बनाने पर जोर दे रही है, वही गोविंदाचार्य ने कहा कि यदि सरकार भारत को अमेरिका बनाने की कोशिश करेगी तो ये ब्राजील बन जाएगा। हम आपको बता दें कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था इस समय बड़े संकट का सामना कर रही है। सरकार पर अपने और विरोधी सभी वार कर रहे हैं, लेकिन सरकार देश को इस संकट से कैसे निकाले ये उसे समझ नहीं आ रहा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।